बाबा, आपको अचानक से क्या हो गया था? पता नहीं बारे, कुछ चक्कर सा आ गया है। व्यास जी, कल आपने उपवास रखा था तो शायद इसलिए आपकी तबीयत खराब हो गई। अगर अभी भी आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं प्रमुख जी को बोल देता हूँ, वो मूर्ति की स्थापना कर देंगे। नहीं नहीं, जिस कार्य के लिए आए हैं उसे पूरा तो करना ही होगा। किडनैप करने के लिए आ गए, मुझे बहुत डर लग रहा है नेल्सन, प्लीज जल्दी आ जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें कुछ वहम हो गया होगा, घर में ऐसे कोई कैसे घुस सकता है? एक नंबर डूड, यहाँ पे मेरी जान खतरे में है और तुम्हें लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? ठीक है, मैं व्यास अंकल को फोन कर लेती हूँ। ओके। अरे नहीं 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 मीरा, मीरा तुम व्यास जी को कुछ नहीं बताना, वो परेशान हो जाएंगे। हाँ तो तुम आ रहे हो ना? ठीक है, मैं आता हूँ। गुड बॉय। मेरा मतलब है मुझे मुझे बहुत डर लग रहा है नलसन, प्लीज जल्दी आ जाओ। ये नील कहाँ जा रहा है? अपनी प्रेमिका के पास, और क्या? हाँ? पीमीआरबी यानी कश्मीरा और चाहत। हमें बस ये ध्यान रखना है कि कहीं वो उसके पीछे पीछे घर ना चली जाए। सौरा जी, आपकी तबीयत बड़ी कमजोर लग रही है। बाबा आप प्लीज आराम कीजिए, हम नील के हाथ तो स्थापना करवा देंगे। नील, नील कहाँ चले गए? पता नहीं लड़का कहाँ चला गया, मुहूर्त बीता जा रहा है। व्यास जी, स्थापना परमुख जी कर लें? हाँ, अगर सौरा जी की आज्ञा हो तो। इतनी जरूरी पूजा छोड़कर नील कहाँ जा सकते हैं? मीरा, थैंक गॉड तुम ठीक हो। कहाँ है? हाँ नेल्सन। कौन था? नेल्सन वो तो गया। गया मतलब खुद से? नेल्सन वो धोबी था। क्या बकवास है ये, धोबी था? उसके लिए तूने इतने इंपॉर्टेंट पूजा से मुझे यहाँ पर आने के लिए बोला? व्यास जी नाराज हो जाएंगे, जाना है मुझे अभी। अरे अच्छा बाबा, आई एम सॉरी, मैं बस हमारी पुरानी यादें मिस कर रही थी। जब से मैं आई हूँ तब से हमने एक कप कॉफी भी नहीं पी है। मीरा, पूजा चल रही है वहां पर, प्लीज। अरे बाबा सुनो तो, देखो ना, एक कप कॉफी की तो बात है, बनाई हुई कॉफी, बस कॉफी पीनी है। मीरा, नेल्सन प्लीज ना, फॉर ऑल टाइम सेक प्लीज। ओके थैंक यू, तुम बैठो ना, मैं अभी कॉफी लेके आती हूँ। हाँ थोड़ा जल्दी करो ना। पता नहीं इसमें क्या है जो जूनियर मान ने मुझे कॉफी में मिक्स करने को कहा है। भूल तो बड़ा कॉन्फिडेंटली रहा था, किसी पीते ही नेल्सन मेरे प्यार में पागल हो जाएगा। लेट्स सी।
थैंक यू। कभी ऐसे बिना बताए गायब नहीं होते, फिर अब अचानक से कहाँ चले गए? क्या बात है, दूध पीने का टाइम हो गया है लेकिन कृपा मैडम का रोना स्टार्ट नहीं हुआ। खोलू? यहाँ तो नहीं है, शायद मामा जी के पास होगी, चेक करती हूँ। मामी? हाँ? कृपा मामा जी के पास है? नहीं तो नवेली के बाबा व्यास जी के साथ बही खाता खोल के बैठे हैं, क्या हो गया? अब कुछ नहीं मामी, नवेली के पास होगी, मैं चेक करके आती हूँ। अरे नहीं तो, ए नवेली तो अपनी सहेली के घर गई हुई है। ए जाते कहीं कश्मीरा के पास तो नहीं? कश्मीरा? अच्छा मामी मैं चेक करके आती हूँ। कश्मीरा? यहाँ तो नहीं है। नैसिन से शादी करने के बाद मैं उसे कह दूंगी कि वो बच्ची को किसी ऑर्फनेज में डाल दे। मुझे नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी उसकी। या अल्लाह, कहीं कहीं कश्मीरा कृपा के साथ कुछ गलत ना करते। कश्मीरा, नील, 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 कश्मीरा कृपा को ले गई है। क्या मतलब? मतलब ये कि उस दिन जब मैं कश्मीरा से बात कर रही थी ना नील, तो कश्मीरा ने कहा था कि वो कृपा की रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेना चाहती और उसने ये तक कहा था कि वो कृपा को और पनिश में छोड़ देगी, और आज कृपा घर से गायब है, तो इसका तो यही मतलब है ना कि ये काम उसका है। चात, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मीरा को मैं अच्छे से जानता हूँ। मीरा पता है क्या, अटेंशन ग्रैब करने के लिए ना बेतुकी बातें करती है। तुम सीरियस मत लो। चात, कृपा बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसको। हा? आपको पता नहीं क्यों नजर नहीं आ रहा है लेकिन आपके सामने वो बहुत इनोसेंट एक्ट करती है, लेकिन मैंने उसकी असलियत देख ली है। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी कृपा चाहिए। मुझे कृपा चाहिए नील, प्लीज। डोंट रिलैक्स, रिलैक्स। नील मैं कैसे रिलैक्स हो जाऊं अगर उसने मेरी बच्ची को कुछ कर लिया तो, और लावारिस की तरह अगर उसने यतीम खाने के बाहर कृपा को छोड़ दिया तो फिर। नील आप प्लीज मेरे साथ चलिए, चलिए नील। ए चाहत, क्या कर? गुड मॉर्निंग फूल। गुड मॉर्निंग काटा। How are you? कश्मीरा। चाहत। कृपा कहाँ है? तुमने कृपा के साथ क्या किया? मैंने तुमसे पूछा कृपा कहाँ है? Babe, have you been day drinking? मैं क्यों कृपा को कहीं लेके जाऊंगी? ज्यादा इनोसेंट मत एक्ट करो कश्मीरा। मैं जानती हूँ तुम ही मेरी बच्ची को ले गई हो, तो मुझे चुपचाप बताओ कृपा कहाँ है? ठीक है, चिल फिर। नेल्सन, अपनी ये फेक वाइफ को समझा दो, ये बात बात पे मेरे पे इतने बड़े बड़े एलिगेशन लगाती है और तुम बस खड़े खड़े देखते रहते हो। यू जस्ट डोंट डू एनीथिंग। मैं देख रही हूँ कश्मीरा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो, किस तरह नील को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन यू नो व्हाट, अभी मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि मेरी कृपा कहाँ है और वो कैसी है। अगर मेरी कृपा को एक खरोच तक आई तो What is she doing? तू मैं तुम्हारी चमड़ी उतार दूँगी, कश्मीरा। अरे क्या कर रही हो? छोड़ो, छोड़ो। ठीक है, अगर ये साबित हो गया कि मैं कृपा को कहीं नहीं लेके गई, तो आज से नेल्सन मेरे कमरे में मेरे साथ रहेगा। अगर तुम्हें अपने इल्जाम पे इतना भरोसा है, तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? कश्मीरा, तुम ना। क्या तो?
वीडियो? ये हमारी वीडियो कैसे आई? और ये उसे किसका नंबर है? अजीब है, फोन भी बंद करके रखा उसने। कौन है ये? प्रमुख जी, प्रमुख, प्रमुख जी जरा फोन देना, एक जरूरी फोन करना है। वो क्या है ना, मेरे फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा। आप मामा जी ये देखिए, मेरी भी फोन की बैटरी चली गई है, देखिए। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं नवेली की माँ से ले लेता हूँ। कहीं ये वीडियो नवेली तो मुझे ब्लैकमेल करने के लिए नहीं भेजा? नवेली की तो मैं। ये कश्मीरा बहुत इरिटेट करने लगी है। नील ने पता नहीं उसे क्यों इतनी छूट दे रखी है, कुछ कहते ही नहीं है उसे। अब बस मुझे और टाइम स्पेंड नहीं करना इनके साथ, जाकर अपनी गोलू को देखती हूँ। गोलू के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, मुझे अच्छा फील होगा। अरे कृपा को कौन ले गया? म्यार अखियन के रतन, लाटी से दादी, लाटी से दादी, दूध भात के लिए करती जतन, लाटी से दादी, लाटी से दादी, नानू बोल दे उसको नानी भी, लाटी से दादी, लाटी से दादी। ओ नहीं नहीं, ओ नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, ओ नहीं, मैं साबुन लेके आता हूँ। लाटी शहजादी, लाटी शहजादी, लाटी शहजादी, लाटी शहजादी, लाटी शहजादी। या अल्लाह, कृपा को कौन ले गया? मेरा कितना मन था टाइम स्पेंड करने का उसके साथ। गुल्लू बाबा के रूम में। बाबा, बाबा बाबा, कृपा रो क्यों रही है? कुछ हुआ बाबा? मैं मदद करने आऊं? बाबा आप कुछ जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बाबा बाबा,
कि भगवान जगे बाबा। लाठी दे मुझे। कृपा कृपा सुराजी क्या हो गया आपको? व्यास जी कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? ये धारी देवी देखनी चाहिए, आज अगर कृपा को कुछ हो जाता तो इसकी जान की जिम्मेदारी कौन लेता? व्यास जी मैं आपसे पूछती हूँ, सरस्वती की आखिरी निशानी का ऐसे ध्यान रख रहे हैं आप? मामी आप ये क्या कह रही हैं? कि पापा ने ये जानबूझकर किया? आप देख नहीं सकती पापा को कुछ हो गया है? OMG, कहीं अंकल को दौरा तो नहीं पड़ रहा? मेरा मतलब है वो ओल्ड पीपल को होता है ना, ओल्ड एज में। कश्मीरा खबरदार, जो तुमने बाबा के खिलाफ कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो कुछ नहीं हुआ है बाबा को। बाबा मेरी तरफ देखिए ना। बाबा आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जो कुछ भी कश्मीरा से कहा सब झूठ था ना, ताकि वो अपने आप को कुछ करना दे, है ना? झूठ क्यों बोलूंगा मैं? इनफैक्ट हम दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी करने का फैसला किया है। उसके बाद मैं सब घर वालों को सच्चाई बता दूंगा। और बाबा, बाबा के बारे में सोचा है आपने? नील, उनकी तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं है, ये सब सुनकर उन पर क्या बीतेगी, इस बारे में सोचा आपने? सी, मैं व्यास जी के लिए एक बेटे का हर फर्ज निभाने के लिए तैयार हूं, लेकिन अपनी ड्यूटीज के लिए मैं अपने प्यार को कुर्बान नहीं कर सकता हूं। और व्यास जी को भी ये मानना ही पड़ेगा ना एक ना एक दिन कि मेरा ही मेरा सच्चा प्यार है। चाहत बस मैं और इंतजार नहीं कर सकता। अब मैं जल्द से जल्द मीरा को इस घर की बहू बनते हुए देखना चाहता हूं। और ये तभी पॉसिबल होगा जब तुम यहां नहीं रहोगी, और मैं चाहता हूं कि तुम यहां से चले जाओ प्लीज। तुम यहां रही ना तो व्यास जी मीरा को कभी अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर नहीं पाएंगे। प्लीज चाहत, तुम मेरे लिए इतना कर सकती हो ना? लेकिन नहीं, मैंने पापा से बात बाकी है कि मैं कभी इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगी। चाहत तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरे लिए ये करना होगा। हाँ नहीं, मेरी कसम के लिए व्यास जी को दिया हुआ वचन तोड़ना होगा प्लीज। ये तो नहीं जानती कि आप क्यों चाहते हैं कि मैं इस घर से चले जाऊं,
लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि इसकी वजह कश्मीरा का प्यार नहीं है। और नील, जब तक मैं पता ना लगा दूँ ना कि आप क्यों चाहते हैं मैं इस घर से चले जाऊं, कैसे जा सकती हूँ? और मैं ये बात तो जरूर जानती हूँ कि कश्मीरा इस घर की बहू बनने के लायक नहीं है। बाबा को अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? I'm so so happy, Nelson. Finally, तुमने उस चाहत को इस घर से निकलने के लिए कह दिया। मुझे तो डर लग रहा था कहीं वो तुम्हें मुझसे छीन ना ले। But अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या कह रही हूँ, मैं उसका ना पैक पैक करके आती हूँ ताकि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाए। ओके, आई जस्ट कम। चली जाऊंगी कश्मीरा, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। नील, नील आपने मुझसे जो कहा मैंने सुना, लेकिन अब आपको मेरी बात सुननी होगी। तब तक बाबा ठीक ना हो जाए मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। तुम्हें व्यास अंकल की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूं। अच्छा, तो क्या तुम ये जानती हो बाबा को किस वक्त और कौन सी मेडिसिन देनी है? क्या तुम्हें ये पता है कि रात को जब कृपा रोती है तो उसे क्या चाहिए होता है? तो फिर तुम्हारे भरोसे इस घर को कैसे छोड़ दूं? यू नो व्हाट कश्मीरा, तुम्हारी नजरों में मैं पराई होंगी, लेकिन ये घर मेरा अपना है। और जब तक तुम ये बात साबित ना कर दो कि तुम इस घर की बहू बनना डिजर्व करती हो, मैं इस घर से कहीं नहीं जा रही। बाबा ये देखिए, इस बार कितने अच्छे एप्पल्स आए हैं, और मैं जानती हूँ कि आपको सेब कितने पसंद है, तो ये लीजिए छुरी और एप्पल अपने हाथ से खुद काट कर खाइए। बाबा कोशिश कीजिए ना, जीने की चाह से बड़ी और कोई दवाई नहीं होती है। मैं जानती हूँ बाबा आप कर सकते हैं। अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो आपको ये करना होगा। चलिए बाबा, सेब उठाइए, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी ना। ये क्या करने की कोशिश कर रही हो तुम? तुम्हें पता है ना, व्यास अंकल इज वेरी वीक, उनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम है। कश्मीरा, प्रैक्टिकली तो बात कर रही हूँ, अननेसेसरी इमोशनल होने से कुछ होगा नहीं, सो प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैंने कहा ना, मैंने डॉक्टर को बुलाया है, वो अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तुम्हें महान बनने की कोई जरूरत नहीं है। बाबा आई नो आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आइए ना, हम फिर से कोशिश करते हैं। ओके, तुम नहीं मानोगी ना, फाइन। जूनियर महान, नवेली आंटी, जल्दी आइए, नेल्सन। ये देखिए चाहत क्या कर रही है, व्यास अंकल से काम करा रही है। वीलकर की बोरी, ये क्या कर रही है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? ये बेचारे व्यास जी से उंगलियां तो हिलाई नहीं जा रही हैं, सेब कटवा रही है उनसे। ए जा, उनके लिए सेब का जूस बना के लेके आ। बाबा आपको खुद अपना हाथ आगे बढ़ाकर मेरे हाथ से एप्पल लेना होगा। अरे नीलकंठ की बुआरी, कैसी बेतुकी बातें कर रही हो तुम, शरीर में शक्ति ही नहीं बची, कहां से हाथ आगे बढ़ाएंगे वो? बाबा प्लीज आप इन सब की बातें मत सुनिए। बाबा अगर आप चाहेंगे तो आपके शरीर में शक्ति आ जाएगी। बाबा बाबा आप अपने मन में भोलेनाथ का नाम लीजिए और कोशिश कीजिए, बाबा आप कर पाएंगे। इना, ये क्या कर रही हो तुम? दो मुझे नहीं। कश्मीरा, मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, तुम खामखा बीच में मत बोलो। तुम टाइम वेस्ट कर रही हो चाहत, ये सब करने से कुछ नहीं होगा। कश्मीरा प्लीज, अब आप कोशिश कीजिए। अच्छा तुम आ गए, ये देखो कि चाहत कितने ड्रामे कर रही है। लिसन, नेल्सन इज हियर, स्टॉप दिस ड्रामा। दो मुझे नाइफ, दे दो मुझे, तुम्हें नाइफ चाहिए ना? चाहत, चाहत, चाहत। अरे देवी देखनी चाहिए, ये पागल हो गई है क्या तू? ओ भयंकर, अरे क्या किया तुमने, ये कितना खून बह रहा है।
डॉक्टर साहब ये मेरी वाइफ, प्लीज प्लीज आप कुछ कीजिए ना। कोई मेरे पास नहीं आएगा, सब दूर रहिए। बाबा बाबा ये देखिए ना कितना खून बह रहा है। क्या कर रही है लड़की? बाबा कहीं ऐसा ना हो आप अपनी दूसरी बेटी को भी खो दे। बाबा कहीं ऐसा ना हो मैं आपके सामने अपना दम तोड़ दूं। चाँद ये पागलपन है चाँद, चाँद बहुत खून बह गया, कहीं कहीं ऐसा ना हो कि तुम मर जाओ। अगर अपने बाबा के अंदर जीने की आस पैदा करने के लिए मुझे मरना भी पड़े ना तो मुझे कोई गम नहीं होगा। बाबा बाबा वो रुमाल उठाइए ना बाबा, हम मेरे हाथ पे रखिए। चाँद बस स्टॉप, बाबा कर सकते हैं बाबा, बाबा कर सकते हैं। ये मेरी वाइफ है, इनका खून रोको प्लीज। नहीं प्लीज आप दूर रहिए, आपको मेरी कसम। ए जवारी, आज जान देने का फैसला कर लिया है क्या तूने? बाबा अपनी बेटी को बचा लीजिए। बाबा देखिए कितना खून बह रहा है। बाबा बाबा अपनी बेटी को बचा लीजिए आज। बाबा देखिए कितना खून बह रहा है। बाबा कर सकते हैं। जी बाबा आपको तकलीफ पहुंचाई, लेकिन बाबा मेरा इरादा बस आपको ठीक करना था। शायद बच्चे जीजा जी की जान बचाने के लिए तूने अपनी जान खतरे में डाल दी। डॉक्टर साहब जल्दी पट्टी बांधिए इसे। जी जी। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, छोटा सा कट है, डर्मल कट है, नर्व या वेसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसका मतलब तुमने पेशेंट को शॉक करने के लिए कैलकुलेटेड इंसिजन लिया है। ये टेक्निक तो एक दिल्ली के साइकियाट्रिस्ट, क्या नाम है उनका, डॉक्टर भानुनाथ। ये टेक्निक मैंने मेडिकल कॉलेज में ही सीखी थी। मेडिकल कॉलेज? व्हाट डू यू मीन? तुम डॉक्टर हो? ऑफ कोर्स, ऐसा साइंटिफिक नॉलेज एक सर्टिफाइड डॉक्टर को ही हो सकता है। नील की बुआरी, तू डॉक्टर है? डॉक्टर? नॉट बैड जूनियर महान। एंड नवेली, यू लुक सो गॉर्जियस बेब, कम ऑन। कश्मीरा, अभी तक तुमने कुछ देखा ही नहीं है। ब्रांड न्यू मामा जी और मामी जी को दिखाता हूं मैं। मामा जी, मामी जी। हाय, हेलो। ओएमजी, आंटी आप तो बिल्कुल पुराने जमाने की हीरोइन लग रही हो। वो क्या नाम था, बिंदु? अरे नहीं नहीं, मैंने तो शर्मिला टैगोर का स्टाइल लिया है। यू लुक सो प्रिटी। और मैं मामा से काका बन गया रे। अभी काका की तरह नाच के भी दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले पेट पूजा। हाँ, फूड इज रेडी। नेल्सन, ये वेस्टर्न थीम वाली पार्टी सुपर ऑसम है ना? यस। वो तो अच्छा हुआ कि व्यास अंकल की पूजा है मंदिर में और वो पूरी रात उधर ही रहेंगे और कल ही सुबह आएंगे, सो नो स्ट्रेस, राइट? आई विल जस्ट गेट यू समोसा, ओके? कोई बात नहीं, मैं नैपकिन लेकर आता हूँ। हाँ हाँ, कुर्बा हुआ
क्या हुआ आप इतनी सुंदर लग रही हो ऐसे सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रखा तुमने? मैं बाबा के सामने ऐसे कैसे आऊंगी? व्यास जी कल सुबह तक नहीं आने वाले हैं। अरे उन्हें पता तक नहीं हम यहाँ पर पार्टी कर रहे हैं। लेकिन बाबा के बिना? ओ कम ऑन, डोंट बी अ स्पॉइल स्पोर्ट। हाँ हाँ नील की बुआरी, ये आजा। इतनी मुश्किल से अपनी असली सुंदरता दिखाने का मौका मिलता है। ए नवेली तुझे पता है मैं शादी से पहले बेल बॉटम भी पहनती थी। हाँ वो भयानक नजारा मुझे आज तक याद। आजा आजा नील की बुआरी आजा। नवेली बेब्स तुमने कहा था ना कि वेस्टर्न थीम वाली पार्टी रखो, लेकिन अब आगे क्या? आगे तो तुम बस देखती जाओ कश्मीरा। मैंने चाहत की ड्रेस की जिप बिगाड़ दी है, तो वो जैसे ही डांस करना शुरू करेगी उसकी जिप खुल जाएगी। और आज मैंने किसी तरह हवन भी कैंसिल करा दिया है, यानी कि फूफा जी भी जस्ट वापस आते ही होंगे। सोचो क्या धमाका होगा जब फूफा जी के सामने उनके देवी जैसी बहू के कपड़े उतर रहे होंगे। लाइक रियली वार्डरोब मैलफंक्शन? यस। बहुत खाना पीना हो गया, नाउ इट्स टाइम टू डांस। सो एवरीबॉडी ऑन द डांस फ्लोर, चलो 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 चलो। एंड सबसे पहले नील और चाह, कम मैं म्यूजिक प्ले करती हूँ। यस यस यस, कम ऑन कम ऑन गाइस। प्यार की ये कहानी सुनो, एक लड़का था चाहत तुम्हारा ड्रेस पीछे से वो हाँ जिप